दोस्तों स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। आज हम बताने वाले हैं अपने काम। चलते चलिए। ठंड बहुत लग रही है, ठंड बहुत है। आपके इधर कैसी ठंड है बताना जरा। बहुत ज्यादा ठंड है भैया, हालत खराब हो रही है नहाने में ठंडे पानी में। क्या करोगे, परदेश में ऐसे रहना पड़ता है ना, तो टाइम से सुविधा ना कुछ, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है शहर परदेश में। राम राम। तो हम जो है इस टाइम फूल तोड़ने आए हैं मंदिर के लिए। फूल ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहीं फूल मिल जाए थोड़े बहुत। तो फूल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तो शायद भगवान ने सुन ली। एक फूल हमें मिल गया है, वो भी बिल्कुल छोटा सा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि फूल मिला है और एक में ये मिला है। तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर। मैं मंदिर की अपनी साफ सफाई कर लेता हूँ तब तक, और फिर हम इस पर पूजा करेंगे। मैं रोज सुबह सुबह इस पर फूल चढ़ाता हूँ और पूजा करता हूँ। वो कहते हैं ना, माँ के पैर छूकर और मंदिर में माथा टेक कर दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो मैं रोज सुबह शाम माँ के दर्शन और मंदिर में माथा टेकता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम गणपताय नमः, ओम पार्वती पतय हर हर महादेव। दोस्तों हम अपने किचन में आ गए हैं। तो ये देखिए मेरी किचन में हम आ गए हैं। ये हमारे एक भाई साहब थे, दूसरे वाले वो पहले आ गए थे, तो आटा और दूध रख गए थे उबलने। ये दूध उबल लिया है हमारा। और हम सबसे पहले अब गायों की रोटी सेकेंगे। मैं गाय का आटा गूंथता हूँ, फिर गायों की रोटी सेकेंगे आज। तो फ्रेंड्स, हमने नाश्ता बना लिया है। तो हम नाश्ते में आज आलू के पराठे और चटनी और टमाटो सॉस से नाश्ता करने वाले हैं। यह हमारे नाश्ते की शुरुआत है। हम नाश्ता सुबह यही करते हैं, कभी पराठा, कभी आलू का पराठा, कभी सब्जी, जो मन करता है वैसा खा लेते हैं। तो ये हमारे पराठे खाने की स्टार्ट में शुरू हो गया। नाश्ता हमारा तो कर रहे हैं, जरूर खाइएगा। ठीक है, बिल्कुल हमने अपनी किचन स्लेप बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रख दिया है, धोधा के। अब हम पानी बोतल भर के अपने काम निपटाएंगे और फिर अब ऑफिस वाले आएंगे।
दोस्तों मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो आज मैं अपने कपड़े धोने वाला हूँ। तो मैंने ये सारे रात ही भिगो दिए थे, तो अब धूप अच्छी निकल आई है, करीबन 11 बज रहे हैं। तो मैं इन कपड़ों को अच्छे से धो लेता हूँ, जैसे कि हमारे धूप में अच्छे सूख जाएंगे। तो परदेश में यही होता है, परदेश में खुद ही कपड़े धोने होते हैं, इतनी मोटी सैलरी नहीं है जिससे कि अपने कपड़े किसी से धुलवाएं, तो खुद ही धोने पड़ते हैं, खुद ही सारा काम करना पड़ता है परदेश में। घर में कहते हैं ना कि परदेश में ज़िंदगी आसान है, नहीं जी, परदेश में इतनी आसान भी नहीं है। तो चलिए कपड़े हमारे धुल चुके हैं, मैंने ये सारे सूखने डाल दिए हैं, धूप अच्छी है, हमने थमले पर रस्सी बांध रखी है इसलिए हम इस पर कपड़े सुखाते हैं। और ये हमारे गौशाला है, ये दो तीन हमारे बच्चे हैं छोटे गाय के, चार बच्चे हैं, चार बड़ी गायें हैं, और हमारी ये गौशाला है छोटा सा। और ये हमारी इधर ये मशीन है बड़ी वाली, इससे हम चारा काटते हैं, बस इन सारे चारे काट लेते हैं इसी से। और मोटर लगा रखी है, इलेक्ट्रिक वाली है, तो हम इससे देखिए हमारा चारा कटा हुआ भी पड़ा है और मिला हुआ भी पड़ा है। तो ये हमारा छोटा सा है गौशाला। ये हम अपने ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस में हम आ गए हैं। ये भैया धनिया सुखाने जा रहे हैं, जो भी मसाले हैं घर पे ही अपने बनाकर इस्तेमाल करते हैं, बाहर के मसाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। धूप अच्छी लगी निकली है, तो इसीलिए भैया ये सारे धनियों को सुखाने रखेंगे, जिससे कि पीसने में आसानी हो जाती है और पीस भी। हेलो फ्रेंड्स, फिर हम ये खाना बनाने हमारी सब्जी बन रही है, सब्जी हमारी बन रही है। और आज हम मलका दाल चावल भी हो रखे हैं, चावल बनाएंगे, मलका दाल मसूर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे कई नाम लिए जाते हैं, पर हमारे इधर मसूर मलका ज़्यादा बोला जाता है। तो ये देखिए हमारे खाने की बनाने की पूरी तैयार हो चुकी है, बनाने वाले हैं खाना, सब्जी हमने लंच है हमारा रख दी है, सब्जी हमारी इधर बन रही है, दाल में मलका दाल चावल रोटी उसके बाद बीन्स की सब्जी बना रहे हैं, आपको लंच दिखाते हैं। प्लेट हमारे लगकर तैयार है, देखिए बीन्स मलका दाल रोटी स्लेट्स। आज हम भैया हमारे खाने ने स्टार्ट कर दिया है, मैं अभी थोड़ी देर में खाऊंगा, तो भैया हमारा खा रहे हैं खाना। ये है मेरी प्लेट, आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। अजय वैसे बात करोगे तो इतने सब नहीं आते है? वीडियो कॉलिंग पे किसी से बात करोगे तो उसका चेहरा सब नहीं आता, इतना ना गंदा सा आता है, गंदा गंदा रहता है ना।